Hello, good morning student. Today we are going to start the lesson number 1 of subject English. Lesson name is Work While You Work. मतलब जब आप काम कर रहे हो तो उसी काम को करिए. Then let's sing this rhyme. Work while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay. Okay, then poem क्या बोल रही है कि हमें काम करते टाइम काम करना चाहिए, खेलते टाइम सिर्फ खेलना चाहिए, और यही एक सबसे बेस्ट होती है चीज़ जिससे हम बहुत हैप्पी रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. मतलब वापस रिपीट करेंगे, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे to be happy and gay. Next, all that you do, do with all your might. Things done by hands are never done dry. ठीक है, तो जो भी काम करते हैं उनको पूरे मन से करना चाहिए. जैसे अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम ये नहीं सोचना है कि अरे यार पहले खेल लेता हूँ फिर पढ़ाई करूँगा, ऐसे नहीं. जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं पूरा ध्यान से सारा होमवर्क करूँगा, सारी पढ़ाई करूँगा, और जब आप खेलने लगो तब ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे बहुत सारा काम बाकी है, मैं अच्छे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो पेट में भूख लग रही है तो भी खेल रहा हूँ, ऐसे नहीं. जब आपकी जो काम कर रहे हो वो उसको अपने मन से करना चाहिए, ठीक है ना. खाना खाते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे टीवी पहले देखना है, खाना बाद में. अगर आपको खाना खाने टाइम सिर्फ खाना खाना चाहिए, पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई करो, टीवी देखते टाइम सिर्फ टीवी देखो, तो उससे क्या होता है, सारा काम परफेक्ट होता है. वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल इज़ अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल. एक टाइम में हमेशा एक ही काम करना है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ. वन थिंग ईच टाइम मतलब एक बार में आपको एक ही काम करना है. जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करोगे, खेल रहे हो तो खेलोगे. तो ये सबसे बेस्ट रूल होता है जो अपने को सब बोलते हैं, बड़े लोग जो भी अपने बड़े होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ. अगर आप ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं तो वो फिर क्या है, माइंडसेट बिगड़ जाता है. इसी तरह आपको पढ़ाई कर रहे हो तो खेलने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसी तरह, ठीक है. मूवमेंट्स आर यूजलेस, ट्रिफल अवे. मूवमेंट्स जो भी अपना समय है वो उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं करना है कि हमारा समय ही बर्बाद हो जाए. और जो यहाँ पे डिफ़िकल्ट मीनिंग होते हैं उनको अपन इधर देख सकते हैं. जैसे ये देखिए, ये मतलब खुश मिजाज यानी कि मज़ा आना. माइट यानी पराक्रम शक्ति. जो भी अपनी माइट किसके लिए यूज़ आया था कि अगर जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी अपनी शक्ति के साथ एक ही काम को करना है, ताकि जो भी है अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा मन लगा कि पढ़ाई ही करनी है, ठीक है. इसी तरह ट्रिफल अवे, इसका भी मीनिंग यहाँ दे रखा है. ट्रिफल अवे यानी बर्बाद करना. मोमेंट्स यानी अत्यल्प समय, यानी समय को हमें बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. इसीलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना है और अपने काम के टाइम पर काम करना है और खेलने के टाइम पर ही खेलना है. तो ये देखो, दिस इज़ द बेस्ट वे. सभी आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, खेलने के टाइम खेल रहे हैं. अब नेक्स्ट अपन एक्टिविटी फर्स्ट करेंगे. टेक राइट द वर्क you do while reading in the class. Put a cross to another. जब आप पढ़ रहे होते हो, क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, अगर जो काम करते हो उस पर राइट लगाना है, नहीं करते हो तो क्रॉस लगाना है. टॉक टू यूर फ्रेंड. जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो क्लास में तो क्या आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, अगर नहीं करते हो, अच्छे बच्चे हो तो क्रॉस लगाओगे. प्ले विथ यूर फ्रेंड्स. क्या आप पढ़ाई करते टाइम खेलने लग जाते हो फ्रेंड के साथ, नहीं. लिसन टू योर टीचर. क्या आप पढ़ाते टाइम अपने टीचर को ध्यान से सुनते हो, तो अगर आप सुनते हैं तो यस करेंगे.
क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, क्या जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो फ्रेंड्स से लड़ने झगड़ने लग जाते हो? नहीं तो क्रॉस लगाना है। रीड योर सब्जेक्ट बुक, क्या आप अपनी किताब को पढ़ते हो पढ़ाई के टाइम? तो यस, ये राइट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, अब आप अपने फ्रेंड के साथ कब खेलने जाते हो? तो इन इवनिंग टाइम, तो हम शाम को खेलने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, अगर आप टाइम पे होमवर्क नहीं करोगे तो फिर क्या होएगा? क्या होएगा? टीचर विल पनिश अस, टीचर आपको पनिश करेगी और क्या करेगा, आपको पूरी क्लास में अच्छा भी नहीं लगेगा, सारे फ्रेंड्स आपके होमवर्क करके लाए हैं, आप नहीं करके लाए हो तो आपको अच्छा भी नहीं फील होगा, इसीलिए अपना होमवर्क और सब टाइम पे काम करना है। इन एक्टिविटी सेकंड, फीलिंग द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोएम, पोएम में अपने को इसका मिसिंग लेटर संभालना है, उसको फिर यहाँ पे पुट करना है। एच, इसके बाद कुछ ब्लैंक है और यहाँ पर डबल पी वाई, अब अपने को इस पोएम में जाना है, एच से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग ढूंढनी है, एच से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, ये वाली हो रही है, तो अपने को एच भी दिया हुआ है, डबल पी भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो हम इसको यहाँ पर ए को यहाँ पुट कर देंगे तो ये एच ए डबल पी वाई हैप्पी बन जाएगा। इसी तरह एम और पीछे जी एच टी आएगा और बीच में एक लेटर मिसिंग है, तो अब आपको देखना है ये इस पोएम में कहाँ है, एम से शुरू होने वाला, ये देखो एम से शुरू वाला, पीछे जी एच टी भी है, तो मिसिंग लेटर क्या हुआ, आई हो गया, तो हमें इस आई को यहाँ पर भरना है। ठीक है, नेक्स्ट एच, फिर एल वी लिखा हुआ है तो एच से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग देखनी है, ये रही एल वी अपने पास है तो मतलब ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, ए और ई मिसिंग है तो यहाँ पर ए भरेंगे, यहाँ पर ई भर देंगे तो ये पूरी स्पेलिंग हो जाएगी। इसी तरह एम से स्टार्ट होने वाली जिसके पीछे एम टी एन टी एस है, तो एम से स्टार्ट होने वाली ये रही, ये एम से स्टार्ट होने वाली, पीछे एन टी एस है मतलब बीच में से जो मिसिंग है वो अपने को भरना है, तो एम ओ एम ई एन टी एस मूमेंट्स, तो एम के बाद ओ है फिर ई है मूमेंट्स। इसी तरीके से टी आर से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग देखनी है, तो टी आर से क्या स्टार्ट हुआ था, ट्रिपल, टी आर के बाद क्या मिसिंग है, आई और पीछे ई, ठीक है तो यहाँ पर आई भरेंगे और लास्ट में ई, तो ये स्पेलिंग बन जाएगी। इसी तरीके से आपको फीलिंग्स द ब्लैंक्स भरने सीखने हैं। फिर रीड द पोएम अगेन एंड मैच कॉलम वन ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए में से कॉलम बी को भरना है, इसके बाद कौन सी लाइन आएगी वो, तो ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू डू इधर पढ़ना है, ये रहा ऑल दैट यू डू, डू विथ ऑल योर माइट, ठीक है ये वाली लाइन आएगी आगे, तो ये कहाँ है, ये रही डू इट विथ ऑल योर माइट, तो इसका मतलब इसका आगे वाली लाइन ये आएगी। ठीक है, इसी तरह आपको ये देखना है मूमेंट्स आर यूजलेस, इसके बाद क्या आएगा, तो आपको इधर देखना है मूमेंट्स आर यूजलेस, आगे क्या है, ट्रिपल अवे, ठीक है तो अब इसमें ट्रिपल अवे कहाँ है, ये रहा, तो मतलब सेकंड को इससे मैच करना है, अब इसी तरह आप इन दोनों को भी मैच कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, देर आर सम नेम ऑफ आउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, इसमें से कुछ आउटडोर गेम है जो हम घर के बाहर ही खेल सकते हैं, मतलब घर के अंदर रह कर नहीं खेल सकते, और इनडोर गेम्स जो हम घर में बैठे बैठे भी खेल सकते हैं और घर के अंदर खेल सकते हैं, तो आपको उनकी यहाँ पर लिखना है कि कौन से हम घर के बाहर खेलते हैं और इनडोर गेम्स यानी कौन से घर के अंदर खेलते हैं। तो जैसे आउटडोर गेम इनमें देखना क्रिकेट, क्या आप घर में कमरे में बैठे क्रिकेट खेल सकते हो, नहीं, तो ये आउटडोर गेम हो गया, तो आप क्रिकेट को किस में फील करोगे, इसमें फील करोगे, जो ये वाला है आउटडोर गेम्स वाला, तो इसमें क्रिकेट को फील करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला है टेनिस, क्या आप टेनिस घर के अंदर खेल सकते हो, टेबल टेनिस घर के अंदर भी खेला जा सकता है, तो ये क्या हो गया,
इंडोर गेम हो गया, तो ये इधर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें से सारे पढ़ने हैं, खो खो कहाँ खेलोगे, स्नैक एंड लैडर कहाँ खेलोगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लूडो, चेस, कबड्डी, कैरम, तो जो जो आप घर के अंदर खेलोगे उसको इसमें भरना है और बाहर खेलोगे वो आउटडोर गेम्स इसमें भरने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू राइमिंग वर्ड फॉर ईच। तो जिस तरीके से हम इसको बोलते हैं उसी की राइम रिदम से अपने को इनके आगे वर्ड बनाने, जैसे प्ले, क्ले, डे, ये सभी एक ही राइमिंग में बने हैं। माइट, लाइट, साइट, वेल, सेल, टेल, गुड, फूड, मूड, पेन, मैन, टेन, बैट, फैट, सेट, सिंग, विंग, रिंग, कॉल, बॉल, मॉल, इसी तरीके से आपको सेम राइमिंग है, तो इस तरीके से आपको वर्ड लिखने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, थिंक एंड टिक द राइट पिक्चर्स एंड रॉन्ग द रॉन्ग वन, ठीक है। तो अब आपके पास ये पिक्चर है, जैसे क्या ये सही है, सही है तो आपको राइट लगाना है, गलत है तो गलत लगाना है। तो ये क्या इस तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। क्या टीवी देखते टाइम और खाना खाना चाहिए एक साथ, देखो तो ये भी गलत है। क्या आपको साइकिल चलाते टाइम ऐसे ईयरफोन लगा के ऐसे चलना चाहिए, ये भी गलत है। फ़ोन तो यूज़ करना ही नहीं है, मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, ये भी गलत। अब यहाँ पे देखो, टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं और ये कहीं बाहर खिड़की में से देख रहे हैं, आप भी ऐसे बच्चे हो, नहीं ना, तो फिर गलत लगाना है। ये देखो भाई बहन आराम से टेबल पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सही है, तो यहाँ पर हम करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर ये दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, कैन यू मेक ए बोर्ड, क्या तुम बोर्ड बना सकते हो, तो इसने बोला येस आई कैन, वो कागज़ की बोर्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर बना सकता है तो वो क्या रिप्लाई करेगा, येस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये फ्रेंड से ये बोल रहे हैं, कैन यू प्ले फुटबॉल, अब छोटे बच्चे तो फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो फिर वो मना ही करेगा, नो आई कांट, क्योंकि मैं नहीं खेल सकता, मुझे खेलना नहीं आता है। तो जब अपन नहीं बोलते हैं किसी काम को, मना करते हैं, नहीं कर सकता मैं, तो तब क्या बोलेंगे, नो आई कांट, और जब आप कर सकते हैं तो बोलेंगे येस आई कैन। इसी तरह अब आपको यहाँ पर इसका येस और नो में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कैन यू सिंग, क्या तुम सिंग, कोई भी सिंगिंग वाला कंपटीशन अटेंड कर सकते हो, क्या तुम अच्छा गाते हो, अगर आप गाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, येस आई कैन, अगर आप नहीं गाते हैं तो क्या लिखोगे, नो आई कांट, मैं तो नहीं गा सकता, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, कैन यू स्किप, क्या तुम स्किपिंग कर सकते हो, कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, अगर आप चला सकते हैं तो येस आई कैन, नहीं चला सकते तो नो आई कांट। कैन यू प्ले खो खो, अगर आप खेलते हैं तो येस, नहीं खेलते तो नो। कैन यू स्विम, अगर आप स्विमिंग करते हो तो येस, नहीं करते हो तो नो। कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, अगर आप उठा सकते हैं टेबल को तो येस करेंगे, और अगर आप नहीं उठा पाएंगे तो आप नहीं उठा सकते तो नो आई कांट। इन एक्टिविटी फोर ए नंबर द जम्प्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। मतलब इसमें जो पिक्चर बताए हुए हैं ना उसको अरेंज करना, उसके साथ में ये वर्ड भी लिखे हुए हैं, इस तरह ये पूरी एक स्टोरी है, तो अपने को इसको लाइन से जमानी है और फिर आपको इस स्टोरी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये देखो ए लिटिल, नंबर वन पे ए लिटिल आंट वर्क हार्ड, ये लिटिल आंट है और ये कितना वर्क कर रही है, हार्ड वर्क करती है, शहद इकट्ठा करती है। और फिर सेकंड नंबर पे ये नहीं होएगा, फर्स्ट नंबर पे ये काम कर रही है, और ये जो एक सेकंड नंबर पे क्या लगाया है, ये लगा रहा है वो ए ग्रास चॉपर कैप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, और ये क्या कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस पूरे दिन गाता रहता है, नाचता रहता है, ठीक है, ये ग्रास चॉपर है, ठीक है।
तो ये कुछ काम नहीं करता है। आप क्या बोलते हैं इसको, अपन लोग क्या बोलते हैं, राम जी का घोड़ा बोलते हैं ना, ये वही है। तो ये बस काम नहीं कर रहा है, ये नाच रहा कूद रहा है। फिर थर्ड नंबर पे क्या होती है, सर्दी आ जाती है, सून विंटर कैम, जल्दी सर्दी आ जाती है। अब सर्दी आ जाएगी तो सारे ठंड से सब कुछ जम जाएगा, है ना, तो फिर इनके पास खाना वाने का कुछ रहेगा ही नहीं। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है, द ग्रास ऊपर बेग फॉर सम फूड, और फिर इसने काम तो कुछ किया है नहीं, तो ये मधुमक्खी के पास चला गया। इसके पास इसको बोला कि मधुमक्खी है लिटिल आंट, ये तो चींटी है। अब इसके पास गया कि मुझे थोड़ा भीख में कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं। तो फिर द आंट गेव हिम फूड, और ये आंट फिर उसे खाने के लिए दे देती है। तब उसको समझ में आता था कि मैं तो काम नहीं कर रहा था और ये काम कर रही थी, तो कितना जरूरी था काम। फिर ये ग्रास ऊपर प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, फिर ये प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा अब आपके जैसे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्टोरी होएगी। इस स्टोरी को इसी जो वन नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, सेकंड यहाँ, ऐसे तरीके से इसको भरना है। तो दिस इज़ अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल इन्जॉय।